जय हिंद जय भारत। गाइस फिटनेस इंफॉर्मेशन में आप लोग का स्वागत। अगर आपने ये चीजें फॉलो किया वीडियो तो गाइस कहता हूँ इजीली आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो 3 मंथ में गाइस। ओके आप अपने से भी कर सकते हो 3 मंथ में। कैसे वो भी बताता हूँ आप लोग को, करना क्या है वो भी बताता हूँ और कैसे करना है वो भी बताता हूँ गाइस। ओके तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहला तो टॉपिक पे हम लोग पहला डिपेंड क्या है कि प्रोटीन। ये आप लोग प्रोडक्ट से गए तो प्रोटीन पे डिपेंड हो जाते हो। आप 1 मंथ पहले तो वार्म अप पे चलने जाने दो, जो आपकी पावर है आपने जो 1.5 साल 2 साल आपने खाया दबा के उसको 1.5 साल 2 साल जो आपने जो खाया दबा के उसको निकालो पहले। कैसे 1 मंथ वर्कआउट करके, तब 1 मंथ के बाद आप जबकि हैबिट हो जाएगी जिम की और आप जाने लगोगे रेगुलर तब प्रोटीन चालू करो। प्रोटीन कब चालू करो वो भी बता देता हूँ। 1 मंथ के लिए गाइस मत चालू करो कि 1 मंथ डब्बा ले लिया तो हो गया बॉडी बन गई। कितने लोग करते हैं इसे सच बोलना, कमेंट में करके बताना। ओके तो ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा गाइस। आप लोग को क्या करना है कि आप पहले रुक जाओ, होल्ड कर लो, अपने आप को रोको कि हमारे पास पहले बजट कितनी है। 1 मंथ की बजट नहीं बता रहा हूँ गाइस, 3 मंथ की बजट। आप 3 मंथ अगर आपने बजट जोड़ के रखा तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। अगर आपने 1 मंथ की प्रोटीन ले लिया इसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे, कुछ नहीं। जो आपने खाया वो भी डूब गया, आपने जो मेहनत किया वो भी नुकसान हो गया। तो ऐसा मत करो गाइस। हर बॉडी बिल्डर एक ही काम करता है, पहले वो अपने 3 मंथ या 4 मंथ का पैसा इकट्ठा कर लेता है तो ही करता है, ऐसा नहीं करता है, नहीं तो वो भी नॉर्मली वर्कआउट करता है। तो आप इतनी किसी को कहने पे उतावला मत जाओ, आप अपने दिमाग से सोचो गाइस। ओके मैं भी जो कह रहा हूँ मत सुनो, अपने दिमाग की सुनो और उसे विचारो, अपने समझो, फिर फ्रेंड से पूछो, अपने ट्रेनर से पूछो, घर वालों से पूछो, तो गाइस वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपने 3 मंथ का जुगाड़ कर लिया, जुगाड़ का मतलब समझते हो ना, अपना खोज लिए कि हमको ये चीज़ें से चीज़ें हमको इतना इतना चाहिए, हमने इतना बजट कर लिया अपना, आपने बजट कर लिया तो बॉडी बिल्डिंग करो गाइस। तो आपको एक चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, किसका, मनी का। मेन प्रॉब्लम किसका सॉल्व हो गया, मनी का। अब किधर आपका सेकेंड प्रॉब्लम है, आपका हो गया वर्कआउट। अब वर्कआउट पे फोकस करो, खाली वाली वर्कआउट और डाइट दो चीज़ पे फोकस करो। ओके तो आपके जो प्रोटीन का सॉल्व था वो तो हो गया, आपने 3 मंथ का इकट्ठा कर लिया है तो अभी आपने चालू किया है। ओके अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक डब्बा ले लिया खा लिया बॉडी क्यों नहीं बढ़ रही है, फिर आप ट्रेनर से पूछोगे कि हमको ये चीज़ें ला के दिए हमको ये नहीं हुआ, फिर वो ट्रेनर बोलेगा ऐसा ऐसा वगैरह चीज़ें, आप फिर डालो, फिर 2 मंथ रुकोगे, फिर 2 मंथ इकट्ठा करोगे पैसा, फिर डालोगे। तो 1 मंथ जो डाले थे वो तो गया, 2 मंथ और स्टॉप हो गए वो भी गया, अब तीसरा मंथ के बाद फिर जुगाड़ करके पैसा डाल रहे हो तो आप फिर वो डालोगे फिर नुकसान। तो मतलब आपका 2 मंथ का नुकसान प्लस 2 मंथ आपने जो रेस्ट किया वो भी नुकसान, मतलब टोटल 4 मंथ गया आपका। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं होता गाइस। बॉडी बिल्डिंग उसको कहते हैं जिसे हम लोग खुद यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें पहले बजट बनाना होता है, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो कैसे 1 साल की पहले कैसे हमारा मंथली फीस बढ़ती जाती थी, अभी हमारा ईयरली भरा जाता है। तो वैसे ही आप पहले 3 मंथ या 6 मंथ जो भी करना चाहते हो उसके इकट्ठा कर लो मनी। ओके गाइस फिर इसके बाद बॉडी बिल्डिंग करो। मैं बोलता हूँ अगर आप 3 मंथ भी किए बॉडी बिल्डिंग अच्छी से, वर्कआउट डाइट और प्लस प्रोटीन फॉलो किए गाइस, वे प्रोटीन, तो आपकी बॉडी अच्छी से अच्छी मसला अच्छी से अच्छी फिटनेस मॉडल पे आप भी देख सकते हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो वो भी देख सकते हो गाइस। ओके ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और एक चीज़ कैरी कर लो, जिसकी कटिंग विंग्स वगैरह वगैरह चीज़ देखते हो मसल्स, थोड़ा स्टॉप हो जाओ, उनकी हाई लेवल्स है, वो हाई लेवल्स में क्या डालते हैं आप उतनी गहाई मत करो गाइस। आप लोग देखने के बाद गाइस करते हो, ये मैंने मोस्टली बहुत जिम से देख चुका हूँ गाइस, तो इसी के वास्ते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। और जो भी डाउट है आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं बता सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं बताऊँगा। ओके लेकिन आप लोग क्या करते हो, कुछ नहीं, चलने दो। यूट्यूब पे हमने देखा, जब तक देखा तब तक हमने समझा, इसके बाद बंद तो हमारा बंद, क्योंकि सोशल मीडिया है, एक टॉपिक गई दूसरी टॉपिक आती है, लेकिन आप लोग जहाँ के हो वहीं रह जाते हो, ना आगे बढ़ते हो ना पीछे बढ़ते हो, तो मतलब कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको चाहते हो बॉडी बिल्डिंग करना तो गाइस मैं बोलता हूँ फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, वरना मत करो। हर कोई बोलता है ना कि पाउडर खा के बॉडी बनाया है, गाइस पाउडर खा के अगर बॉडी बनती ना तो उनसे पूछो जाके जो लेग्स मारते बैक मारते हैं ना, वो बताएंगे कि बॉडी खा पाउडर खा के बॉडी बनती है या बॉडी कैसे बनती है। जब आप डेडलिफ्ट मारोगे ना, जब आपकी बैक में पेन होगा ना,
तो आप रात भर सो नहीं पाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वगैरह चीज करोगे तो परेशान हो जाओगे, बोलोगे कि हाँ मेहनत है, डब्बा खा के नहीं बनती है। जो लेग प्रेस मारते हैं ना वो अपने डबल वेट मारते हैं, अपने से हैवी वेट मारते हैं। क्यों? क्योंकि लेग्स गेन हो, मसल्स हो, पाउडर के भरोसे नहीं रहते हो। प्रोटीन है, मैं मान रहा हूँ प्रोटीन नहीं है ऐसी, लेकिन आप जो डब्बा बोलते हो वो रॉन्ग है गाइस। अगर आपके नाम से कोई ने बोला है, आपके कोई निक नेम से कुछ वगैरह से बुलाए तो कैसा लगेगा आपको? कैसा कुछ आपका जो भी नाम है, नाम छोड़ के आपको मोटो पतला वगैरह चीज बुलाए तो कैसा लगता है? वैसे ही गाइस, किसी को डब्बा खा के बॉडी बनाता है ऐसा मत बोलो, उसको भी रेस्पेक्ट दो क्योंकि उन्होंने प्रोटीन यूज किया। आपने जो खाते हो ना महीने का, वो 15 दिन का उन लोग का डाइट का वगैरह का, 15 दिन या हफ्ते का चलता है उन लोग का उतनी मनी, तो वो उनसे पूछो कितना वो डाइट फॉलो करते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। आप हो खा लेते हो एक कोड़ा पाव मस्त हो जाते हो, नहीं गाइस उनसे पूछो दिन की डाइट क्या होती है। 10-10 अंडे जाते हैं, आधा किलो 1 किलो चिकन जाता है, फिर इसके बाद चपाती जो रहती है, फिर इसके बाद सलाद रहता है, वगैरह वगैरह चीजें रहता है गाइस। तो जोड़ लो आप वीक का उनका, आप महीने का अपना खर्चा जोड़ लो नॉर्मली कितना होता है। तो बोलने का हक नहीं है गाइस कि आप डब्बा खा के बॉडी बनाते हो, आप में भी दम है तो आप भी बना के दिखाओ। चलते फिरते रोड पे जो है ना बोल देते वगैरह चीज कि बन जाती है, नहीं बनती है। और एक चीज कि आप लोग बॉडी बिल्डिंग देखते हो, जो 2-3 साल घसीट रहे हैं, आप एक नया एडमिशन लिया, सर मुझे आपके जैसी बॉडी बनाना है। अरे आपकी जैसी कब बनाना है? अच्छी बात है, इतना तक तो ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलते हो कि सर मुझे 3 या 4 मंथ में ऐसी बॉडी बनाना है? जब सामने वाला 4-3 साल घसीटा है, तुम 6 मंथ में बना लोगे? खाने की चीज है क्या? नहीं ना, तो ऐसा क्यों बोलते हो? पहले पूछो सर आपको कितना साल लगा है, आपने कितना मेहनत किया है, हम भी इतना मेहनत करेंगे तो होगा। तो एक बॉडी बिल्डर जो रहता है ना वो बोलता है कि हाँ ये रिस्पेक्ट है, पूछ रहा है बंदा कितना साल लगा, हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इतने साल में। तो फिर बंदा जो बॉडी बिल्डर रहता है ना वो आपको नॉलेज देता है। अगर आपने बोल दिया हमको 6-3 मंथ्स में ऐसा बनाना है, अब जिसने 2 साल का सीखा है वो आपको ऐसे 6 मंथ में बनने देगा तो उसका लॉस है कि प्रॉफिट है? और उसको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपने एडमिशन लिया, 2 दिन आया, 1 साल की फीस भर के इसके बाद गायब, बाकी महीने क्या किए? हो गई है पावर डीली। तो ऐसा मत करो गाइस, इसीलिए ये वीडियो टॉपिक्स है कि मैंने जो भी बताया आपको बेनिफिट के बताया, ना इसमें कुछ लॉस है ना प्रॉफिट है। अगर आपने फॉलो किया तो आपकी बहुत से सारी प्रॉफिट होगा, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपके बहुत लॉसेस भी है। हमारा कुछ नहीं जाएगा गाइस, हमने बताने का एक काम है, मेरा फिटनेस इंफॉर्मेशन वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को एक एक टॉपिक्स, क्योंकि ये चीजें जिम में मोस्टली बहुत हो रहे हैं, तो मैंने यही इसीलिए सोचा ये टॉपिक छेड़ता हूँ। क्योंकि थोड़े टाइम से मैं स्टॉप था वीडियो, क्योंकि थोड़े मुझे काम थे, मैं उसी के टॉपिक पे काम कर रहे थे अपने, और मुझे तैयारी करना था बॉडी बिल्डिंग का, तो मैं वही तैयारी चालू किया हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस प्लीज इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग फॉलो करो, बहुत निवेदन कर रहा हूँ आप लोग से, क्योंकि ऐसा मत करो, आप मनी वेस्ट कर रहे हो, अपने घर वाले का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिलहाल तो जिम वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? जिम वाले जो आ रहे हैं वर्कआउट के लिए उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करो गाइस प्लीज। और गाइस आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो, लाइक दे रहे हो, सब्सक्राइब दे रहे हो, शेयर करते जा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पहली बात तो मेन इंपॉर्टेंट, आप जो मेरे पूरी वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू गाइस। ओके, जय हिंद।